नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, चीन के शहर वुहान, यहां से जो एक वायरस निकलकर आया जिसका नाम है कोरोना वायरस, इस वायरस ने पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है और सभी तरीके की जो इंडस्ट्रीज है वो इस समय ठप पड़ी है। 2 महीने से किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं चल रहा है। 2 महीने से फिल्म इंडस्ट्री भी पूरी तरीके से ठप पड़ी है। पंडित ट्रेड की अगर मानी जाए तो इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री को अभी तक 1,000 करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है और इसी नुकसान को देखते हुए कुछ दिनों पहले ही FWICE ने CM उद्धव ठाकरे को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को फिर से शुरू करने की गुहार लगाई थी। अब पूरे नुकसान को देखते हुए CM उद्धव ठाकरे ने इस चीज की परमिशन दे दी है। एक निजी वेबसाइट से जब FWICE के जनरल सेक्रेटरी अशोक पंडित जी ने बात की तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जब परमिशन के सारे रूल परमिशन मिल चुकी है, लेकिन जब रूल्स आ जाएंगे तो सबसे पहले जो फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है वो होगी गंगूबाई की, यानी कि काठियावाड़ी गंगूबाई। ये फिल्म को डायरेक्ट करे है संजय लीला भंसाली और इस फिल्म की जो एक्ट्रेस है वो है आलिया भट्ट। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहला चांस गंगूबाई को ही क्यों दिया जा रहा है। दोस्तों, इसका भी एक कारण है क्योंकि फिल्म सिटी के अंदर अभी तक गंगूबाई का सेट लगा हुआ है। लॉकडाउन की शुरुआत होने से पहले ही गंगूबाई की शूटिंग चल रही थी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की शुरुआत हो गई थी और इसकी वजह से सब कुछ बंद करना पड़ा था, इसलिए सेट वैसे का वैसा ही लगा हुआ है। जब गंगूबाई को परमिशन मिल जाएगी उसके बाद नंबर आएगा बोनी कपूर का। जी हाँ, बोनी कपूर की फिल्म आने वाली है मर्ड आइलैंड, जिसकी शूटिंग ऑलरेडी मतलब 50% हो चुकी है और इसका सेट भी अभी तक लगा हुआ है। इसीलिए इन दो फिल्मों को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा गया है और यही दो फिल्में सबसे पहले रिलीज की जाएंगी या फिर इनकी शूटिंग जो है वो खत्म की जाएगी। पर आपको क्या लगता है, जो डिसीजन आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री फिर से शुरू होने वाली है और जो फिल्में, जिन फिल्मों की शूटिंग शुरू होने वाली है उन फिल्मों के लिए आप कितना एक्साइटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।